गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आनंद पाल सिंह कुशवाहा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। सो कंटेंट मीन्स इन सिंपल टर्म्स हिस्ट्री, गॉड्स फार्मेसी इज अमेजिंग, देन नेक्स्ट लास्ट वन इज एग्जाम्पल्स होम्योपैथी मेडिसिन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। अंडर दैट एग्जाम्पल ऑफ लैकेस इज जेल्सिमियम, हाइपेरिकम एंड टेरेंटुला हिस्पेनिका एंड कोरेलियम रुब्रम। सो फर्स्ट वन इज मीन्स, वट इज मीन्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर डेटिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ डायस्कोरिड्स एंड गैलेंस स्टेट दैट हर्ब्स रिसेम्बलिंग वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी यूज फॉर हर्बलिस्ट टू ट्रीट एलिमेंट्स ऑफ द दोज बॉडी पार्ट्स। और अगर हम इसे सिंपल टर्म में बोले तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर इज ए बिलीफ ऑन वेरियस साइन ऑफ द नेचर, राइट? सो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर डेटिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ द डायस्कोरिड्स एंड गैलेंस स्टेट दैट हर्ब्स रिसेम्बलिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी यूज फॉर It can be used by herbalists to treat elements of the of those body parts. Or doctrine of signature is a belief on various signs of nature. Okay. So, what is the history behind that? History. Paracelsus was the first to advocate the doctrine of signature. His idea was that nature's always presented the healing substance with some plants, or its plants can be used for disease. Of particularly organs, right? So example that goat's pharmacy amazing. यहाँ पे इन्होंने compare किया है carrot, cross section of carrot in comparison from the eye. So here a slight carrot looks like a human eye, and it is greatly chances blood flow to the eyes, right? So यहाँ पे इन्होंने carrot के cross section को eye से comparison किया, right? Second one is walnut. तो वॉलनट फ्रूट में यहाँ पे ब्रेन्स में सल्कस और गायरे जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, तो इन्होंने वॉलनट का कंपेयर किया ब्रेन से। ए वॉलनट लुक्स लाइक ए ब्रेन एंड हेल्प डेवलप टू मेक मोर देन 3 डजन न्यूरोट्रांसमीटर टू एनहेंस ब्रेन फंक्शंस, राइट? सो वॉलनट स्पेशली ऑन ब्रेन पे इफेक्ट करती है वहां पे, और ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर में न्यूरो जंक्शन को एक्टिवनेस प्रोवाइड करवाती है। थर्ड वन इज बीन्स। सो बीन्स का कंपेरिजन किया किडनी के शेप से, राइट? बीन्स आर किडनी शेप एंड दे हील एंड हेल्प मेंटेन किडनीज फंक्शन। सो बीन्स का स्पेशली वर्क किडनीज के फंक्शन को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट वन इज टोमेटो। सो इन पर्टिकुलर टोमेटो क्रॉस सेक्शन 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, लुकिंग लाइक 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, राइट? तो टोमेटो क्रॉस सेक्शन कंपेयर किया है हार्ट से। सो ए टोमेटो हैज 4 चैम्बर एंड इट्स रेड जस्ट लाइक द हार्ट। ए टोमेटो इज लोडेड विथ लाइकोपिन that is pure heart and blood food, right? तो especially tomato heart के लिए, heart blood circulation के लिए काफी अच्छा माना जाता है। Last one is examples. So doctrine of signature and homeopathy and doctrine of signature. तो यहाँ पे lachesis medicine में snake is restless, suspicious and revengeful. जो snake का character होता है restless, suspicious and revengeful, वही character lachesis patient का भी होता है। lachesis patient is also irritable, restless, suspicious and revengeful. Snake always protrude tongue but not steady. Similarly, lachesis patient always open her mouth and tongue trembles when protrude. तो यहाँ पे स्नेक बार बार अपने टंग को बाहर निकालता है, सेम ऐसे ही पेशेंट भी यहाँ पे अपने टंग को बाहर protrude out करता है। Stool of snake is black and offensive. यहाँ पे snake का stool black and offensive होता है, so lachesis patient में भी dark and offensive discharge रहता है, dark and offensive discharge in the patients. Next one is gelsimium. Gelsimium sempervirens. So the color of the flower is yellow. Gelsimium ka flower ka color yellow rehta hai. So and useful in yellow skin in the jaundice, but especially in case of jaundice, gelsimium sempervirens ka use kiya jata hai. Next one is hypericum. So it is a it has red juices. Hypericum ka juice jo hota hai wo red hota hai, used in hemorrhagic condition mein use kiya jata hai. Corallium rubrum. The red coral cankers or coral red eruptions. तो यहाँ पे corallium rubrum का जो flower होता है उसके ऊपर red red spots होते हैं coral से ऊपर, तो यहाँ पे इसे red eruption में use किया जाता है। Tarantula hispanica, यहाँ पे especially Tarantula hispanica use होते हैं dancing mania में। Spider comes out from the underground when drum is beaten. जब भी हम Tarantula hispanica spider के आसपास में vibrate करेंगे, drum beat करेंगे, तो वहां पे ये बाहर निकलता है। सेम ऐसे ही पेशेंट में सिम्टम मिलेगा। डांसिंग मेनिया, ओवर सेंसिटिव टू म्यूजिक। टेरेंटुला का जो पेशेंट होता है वो म्यूजिक से बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव रहता है। इसे वंस हम अगेन हम रिवाइज करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को। इसका मीन्स, पर्टिकुलर मीन्स में
डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर इन सिंपल सिंपल वे इट इज बिलीफ ऑन ए वेरियस साइंस ऑफ द नेचर्स ओके देन मीन्स इन ए सिंपल टर्म हिस्ट्री गॉड्स फार्मेसी अमेजिंग एंड एग्जाम्पल्स होम्योपैथी मेडिसिन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर थैंक यू.